नेशनल हाईवे हमने माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस सरकार थी तब माननीय नितिन गडकरी जी से कई मेनली ये दो नेशनल हाईवे थे जिनके लिए हमने बड़ा प्रयास किए। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके बड़े प्रयास थे, उन्होंने पूरा काम किया, कागजी काम किया, प्रोजेक्ट बनाए, हर चीज कर करके ये दो हिमाचल की जो आत्मा कह सकते हो, जो शिमला से लेकर के कांगड़ा तक और वहाँ पठानकोट से लेके मंडी तक, ये दो नेशनल हाईवे जो थे ये हमारी सारी जीडीपी, हमारा सारा रोजगार, हमारी सारी डेवलपमेंट इन दो नेशनल हाईवे के ऊपर डिपेंड करती थी। और इन दोनों को जो मटोर से शिमला है उसकी तो कागज आ गए हैं और दूसरे की प्रतिक्रिया जारी है। मैंने इसलिए ये कहा है कि अगर हम अपने हक को बचाएंगे नहीं, हम अपने हकों को की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारा इलाका जो बिल्कुल पिछड़ जाए, जो सबसे एडवांस एरिया था हिमाचल का वो सबसे बैकवर्ड की तरफ चला हुआ। मुझे अफसोस है कि इसमें प्रॉपरली पैर भी जो है वो सरकार ने नहीं की है। मैं ये इसको ये कहूंगा कि दिस इज बिट्रेल विद द पीपल ऑफ मस्ट एरिया। मैं कभी क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करता हूं, मगर आज इतना दुख हो रहा है कि जो 12 जिलों को जोड़ने वाला था वो प्रोजेक्ट भी कैंसिल, जो मेन पठानकोट मंडी और आगे मनाली तक जाकर मिलता वो भी कैंसिल। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं ये हिमाचल के हित की नहीं है। जब भी हिमाचल के हितों की अनदेखी हुई मैंने अपनी आवाज उठाई है और आवाज इतनी बुलंद उठेगी कि सरकार को बड़ी मुश्किल पड़ने वाली है। मगर मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि टाइम रहते वो दिल्ली जाएं और मंत्रालय में वहां बैठे। गडकरी जी बड़ी पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ बैठ करके ये हमारे नेशनल हाईवे रिजोर्ट कराएं, रिस्टोर कराएं इनको, और रिस्टोर करा करके इन पे जल्दी काम करें।